हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नाश्ता बनाएंगे जो कि बहुत कम टाइम पे बनेगा और बहुत टेस्टी भी होगा। ये चिली चीज टोस्ट। एंड डोंट वरी, इसे बनाने में इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। जैसे कि इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, बटर एंड चीज। यहाँ पे आप कोई सा भी चीज ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज ही यूज कर रही हूँ। और हमें चाहिए ग्रीन चिली, कैप्सिकम, धनिया पत्ती और 3 से 4 छोटे छोटे गार्लिक क्लोव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग एंड चॉपिंग। ये मेरे 3 ग्रीन चिली है, इसे मैंने एकदम पतला पतला बारीक काट लिया है। अब ऐसे ही हम अपने कैप्सिकम को भी काट लेंगे। आप देख सकते हो मैंने कैप्सिकम को कितना छोटा छोटा काटा है। ये अगर बड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसे एकदम बारीक काटना है। अब आती है बारी धनिया पत्ती की, तो चलिए धनिया पत्ती को भी ऐसे ही काट लेते हैं। काट लिया। अब चलो नेक्स्ट गार्लिक की तरफ। गार्लिक को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। चलिए चलते हैं अपने चीज की तरफ। अब इसे भी काटना नहीं है, हाँ इसे ग्रेट करना है। चलिए चीज क्यूब हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे चीज क्यूब्स लिए थे, इससे मेरे 6 टोस्ट बन जाएंगे। अब इसमें हम पहले गार्लिक ऐड करेंगे, फिर अपने ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने कैप्सिकम ऐड कर देंगे, करीब 1 चम्मच। अब इसमें हमारे धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे, ये भी करीब 1 चम्मच। अब इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिल तो गया है, लेकिन पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। इसे हमें एकदम स्मूथ बनाना है, जिससे हमारा बटर चीज के साथ अच्छे से मिल जाए। और हाँ, इसमें नमक ऐड मत करना, बटर में सॉल्ट ऑलरेडी होता है ना। अब चिली चीज तो रेडी है, चलिए ब्रेड को भी रेडी कर लेते हैं टोस्ट बनाने के लिए। अब एक पैन लेंगे और उसमें हमारे ब्रेड्स को दोनों तरफ से बस थोड़ा सा गर्म कर देंगे। यहाँ पे हमें बटर या ऑयल कुछ भी यूज नहीं करना है। ब्रेड को ऐसे ही दोनों तरफ से हल्का हल्का फ्राई करना है। ब्रेड हमारे रेडी हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहले। अब इसके ऊपर हम हमारा चिली चीज स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही ढीठ है यार, निकल ही नहीं रहा। निकल, अरे निकल, हाँ फाइनली निकल गया। एक ब्रेड पे 1 चम्मच चीज एनफ है। वैसे आप ज्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन किनारों पे ज्यादा मत रखना, वरना ये ब्रेड से निकल के तवे पे चिपक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ब्रेड के किनारों पे चीज कम लगाया है। हम गैस पे तवे को चढ़ाएंगे और तवे में ये सब रख देंगे। इसे अगर आप चाहो तो ये ब्रेड के साइड को भी काट सकते हो, लेकिन अगर ये हो तो ब्रेड का क्रस्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब इसे ऐसे ही हमें एकदम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रखना है। इसे ढकने की जरूरत नहीं है और पलटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा चीज मेल्ट हो चुका है, इसे अब हम अपने प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। अब चलिए इसे काट के इसकी प्लेटिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं हमारा चिली चीज टोस्ट। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।